हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। और आज हम आए हैं देवबंद की मस्जिद पे, जो हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत मस्जिद है और इसे एशिया की भी सबसे खूबसूरत मस्जिद कहा जाता है। तो आज हम विजिट करने के लिए आए हैं देवबंद की मस्जिद, जिसे दारुल उलूम भी कहा जाता है। दोस्तों, ये जो मस्जिद है, ये एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है और बड़ी ही खूबसूरत मस्जिद है। साथ ही आपको बताना चाहूँगा, इस मस्जिद को बनाने में तकरीबन 20 साल लगे। और मस्जिद का आप डिज़ाइन देख सकते हैं, मस्जिद का आप जो ये पत्थर जो देख रहे हैं, ये संगमरमर के पत्थर से जो है मिलकर के बनी है। और साथ में आप जो बराबर वाली जो बिल्डिंग ये देख रहे हैं रेड कलर की, ये पुरानी बिल्डिंग जो थी वो तोड़ करके दोबारा से नई बिल्डिंगें जो हैं वो बनाई, तामीर की जा रही हैं। आपको बताना चाहूँगा कि मस्जिद के अंदर जो है 2 मंजिला इमारत है, और इसमें 2 मंजिल इमारत में जो है कम से कम लोग 20,000 लोग एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। साथ ही आपको बताना चाहूँगा, इस मस्जिद के अंदर जो है एक बेसमेंट है, बेसमेंट के अंदर भी जो है नमाज अदा की जाती है। तो ये जो है एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। आपको आज मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से ये मस्जिद में दिखाना चाहता हूँ आपको, तो आप मेरी वीडियो पर बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आगे चलते हैं, आपको कुछ और खासियत बता दूँ। ये जो मस्जिद का आप मेन गेट देख रहे हैं, ये इस खूबसूरत मस्जिद का जो है ये मेन गेट है। यहीं से लोग जो हैं इस मस्जिद के अंदर एंट्री करते हैं और नमाज अदा करते हैं। आपको बताना चाहूँगा, मस्जिद के अंदर जो है ये एक बड़ी गुम्बद है, और साथ में जो है 2 ये मीनारे हैं। मस्जिद जो है वो संगमरमर के पत्थर से बनी हुई है। तो आइए चलते हैं, और कुछ मैं अंदर के कुछ व्यू आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आप, मस्जिद का जो है ये मेन, हम मस्जिद के अंदर जो है एंट्री कर चुके हैं, और ये जो मस्जिद का है ये मेन एंट्री है। और मस्जिद जो है बड़ी ही खूबसूरत है, संगमरमर के पत्थर से बनी है। और आपको बताना चाहूँगा, यहीं से जो है हिंदुस्तान के लिए, क्या पूरी दुनिया के लिए, यहीं से फतवे जाहिर होते हैं और बड़े बड़े मौलाना यहाँ से जो है निकलते हैं बन करके। तो आप मस्जिद का थोड़ा सा व्यू देखिएगा। मैं अब आपको मस्जिद के अंदर का व्यू दिखा देता हूँ, मस्जिद अंदर से कैसी बनी हुई है। आइए मस्जिद का मैं अंदर का व्यू दिखाता हूँ आपको।
ये अंदर का मस्जिद का व्यू है जिसके अंदर नमाज पढ़ी जाती है, और आप देख सकते हैं कितनी आलीशान, कितनी खूबसूरत मस्जिद जो है यहाँ तामीर की गई है। और ये जो मस्जिद है ना, ये जो तामीर की जाती है, ये सब फंड्स द्वारा तैयार की जाती है, क्योंकि एक का पैसा नहीं लगा रहता, सबका ही पैसा इसमें लगा रहता है, सबकी दुआएं इसमें हुई शामिल होती हैं। तो आप जो है ना इसमें तामीर भी कर सकते हैं, आप पैसा दे करके सवाब भी कमा सकते हैं। तो आप देखिएगा इस तरीके से जो है ये मस्जिद को डिज़ाइन किया गया है। आपको जैसे मैंने बताया था कि 2 मंजिल की जो मस्जिद है ये बनी हुई है, आप देखिएगा इसकी खूबसूरती मस्जिद के अंदर से। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद जो है अंदर से बनी हुई है। और अब मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाऊंगा मस्जिद की, और लाइब्रेरी चलते हैं हम, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, जो यहाँ जो है ना बहुत कम खर्चे में आप अपने बच्चे को यहाँ पढ़ा सकते हैं। आप देखिएगा ये कुरान शरीफ है, आप कुरान शरीफ देख सकते हैं। यहाँ पर जो है मौलाना की पढ़ाई और हाफ़ज़ा, आप बड़े से बड़े मौलाना की यहाँ तैयारी कर सकते हैं। और यहीं से जो है पूरे हिंदुस्तान के, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है यहाँ से जो है आप मुस्लिम समुदाय का, मुस्लिम धर्म का जो है प्रचार किया जाता है। तो आइए और कुछ मैं आपको आगे बातें बताता हूँ। साथ में आपको बताना चाहूँगा इस ये कम से कम जो है आपको मस्जिद जो है ये काफ़ी बड़ी मस्जिद है, और इसके अंदर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी भी यहाँ पर बनी हुई है। तो मैं आपको वो लाइब्रेरी लेकर के चलता हूँ, तो आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी लाइब्रेरी आप देखने जा रहे हैं। तो चलते हैं लाइब्रेरी की तरफ को, चलिए। हाँ